हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में करती हूँ। सुबह 8:00 हो रखे हैं और नहा धो के मैं आ गई हूँ। वहाँ की अभी आते हैं, पहले ऊपर शिव जी को जल चढ़ा के आएंगे, फिर हमें मंदिर भी जाना है। आज सोमवार का दिन है तो मैं पहला व्रत नहीं रख पाई थी। उस दिन मेरी तबियत खराब थी, मैं व्रत नहीं रखने वाली थी, तो आज मैंने व्रत रखा है और एक लास्ट व्रत रखूँगी। तो ठीक है, आज का व्रत भी शुरू करते हैं और आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं नए दिन के साथ और सोमवार के अच्छे पवित्र दिन के साथ। तो चलिए, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और ब्लॉग में जो होते रहेगा आप लोगों को दिखाऊंगी, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सही तजोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। तो आज है सोमवार का दिन, मैंने आपको पहले ही बता दिया सुबह सुबह। तो हम लोग अभी मंदिर को जा रहे हैं और आजकल मौसम थोड़ा शांत दे रहा है। सुबह सुबह धूप नहीं आ रखी है तो मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, तो मंदिर जाके आते हैं फटाफट। और आज सोमवार का दिन है तो वहाँ भीड़ भी होगी बहुत सारी। चलिए देखते जो भी होता है। तो चलिए मंदिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों, मंदिर में तो हम पहुँच चुके हैं, चलिए पूजा पाठ करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तो ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। आ गई है, बाकी हम अब भीड़ लगना स्टार्ट हो रखी है। पहले उस टाइम हम गए थे तो उस टाइम नंबर में भीड़ थी, तो पूजा पाठ करके हम आ गए हैं। अब जाते हैं घर की तरफ और धूप तो अभी भी नहीं आई है, सही हो रहा है मौसम। तो अभी क्या बोलते हैं, बरगद के पेड़ में पानी दे रही है और यहाँ पे एक समी का पेड़ और वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बेलपत्ती का पेड़ है, उसमें पानी देते हैं यहाँ पे। तो मंदिर से हम लोग आ चुके हैं पूजा पाठ करके और अभी यहाँ पर घर पहुँच गए हैं। मैंने तो एक केला भी खा लिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो वैसे तो प्रतिदिन कुछ नहीं खाना चाहिए कहते हैं, क्योंकि वो व्रत किस चीज़ का जो जिसमें हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बट ये है कि आजकल वीकनेस हो रही है बॉडी में, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो मैंने एक तो एक केला खा लिया मैंने अभी, बाकी अभी चाय मैं पीती नहीं सुबह सुबह, तो चाय तो मैंने पीनी है। अभी दिन में देखूँगी कुछ अपने जो मैंने आज व्रत का वो मतलब क्या बोलते हैं दूध और केला वगैरह मिला के एक शेक तैयार करूँगी, ये मैंने सोचा है। और सासू माँ को भी दूँगी, अपना भी पीऊँगी, क्योंकि हम दोनों का ही व्रत है। बाकी इनके लिए मैं खाना बनाऊँगी दिन का, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे व्रत, ये अलग ही महिमा होती है सच में। तो आज अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है मुझे। और चलिए दिन भर में क्या क्या होगा आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिनों से मैंने ये चूड़ी पहनी जब मैं मायके गई थी, और ये ना अब एक दो ही बचे मेरे हाथों में, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको चेंज भी कर लेती हूँ। आज मेरा मन हो रहा है थोड़ा। दोस्तों, दूध भी आ गया है, तो यहाँ पर मैं दूध भी गर्म करने रख रही हूँ। और आज थोड़ा एक्स्ट्रा दूध ले लिया है क्योंकि आज व्रत है, तो दूध का कुछ बना के हम पी सकते हैं। गर्म करने रखती हूँ, चल बाहर बैठ, बाहर बैठ, बाहर बैठो। इसे भाग रहा है, देखो देखो इसको, पागल हो गया आज। बाहर बैठ, चल बैठ यहाँ पे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा, बैठ जा बस। हाँ बैठ रहे, यहीं बैठ रहे ना, यहीं पे बैठे हैं ना, बैठे रहो, उठना नहीं यहाँ से। देखा हमने दोस्तों कैसा कर रहा है। सीधे पहले वहां गेट से आया अंदर, हाँ पहले यहाँ बैठा, फिर मैंने कहा टॉमी अंदर आ गया, तो ऐसे डांट के भगा, बाहर भगाया तो बाहर गया, फिर उधर जाके उधर कभी उधर कमरे में जा रहा है, मतलब कह रहा है कि क्यों मुझे तो बाहर क्यों भगा रहे हो, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है, इस तरह से वो बाहर बैठा के आई हूँ बड़ी मुश्किल से। क्या डर अपने आपको, तो लग रहा है ये पानी में भीग के आया कहीं से, तब इसको डर लग रही है क्योंकि पानी से कुत्तों का एलर्जी होती है ना वैसे भी, इस वजह से ऐसा कर रहा है जैसे काट काटने जैसा। मैं आपसे कहा था कि चूड़ियाँ बदल दूंगी, तो यहाँ पर जो पुरानी चूड़ियाँ थी वो तो पीछे ऐसी हैं, पर मैंने आगे से रेड और ग्रीन कलर की डाल ली है, इसमें भी और इसमें भी, और साथ ही साथ नेल पेंट भी लगा लिया है हाथ और पैरों में, क्योंकि ठीक है सावन का महीना है, अच्छा महीना है। तो फिर पहले तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी, अब थोड़ा ठीक लग रही है, तो मैंने यहाँ पर ये नेल पेंट और चूड़ी वगैरह पहन ली है। कैसी लग रही है? ऐसे तो नॉर्मली है, प्लेन अच्छी लगती है मुझे।
तो दोस्तों मेरी मम्मी और मेरी दीदी लोग ना मुझे इस चीज़ के लिए बहुत टोकते भी हैं कि तो हमेशा प्लेन ही चूड़ी क्यों पहनती है, हमेशा कुछ नए नए डिज़ाइन के पहनना चाहिए हर दिन बदल बदल के। तो हाँ वैसे उनकी बात भी सही है क्योंकि हमेशा एक चीज़ पहनो तो वो भी बोर हो जाता है इंसान, मतलब बदल बदल के पहनना चाहिए। उनकी बात भी सही है कहीं ना कहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर टाइम में अलग अलग चूड़ियाँ पहनने की कोशिश करूँ। वैसे मुझे प्लेन ज़्यादा पसंद है बट हाँ नए नए अलग अलग पहनने चाहिए। इस बार जब मैं मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने ही मुझे ज़बरदस्ती ये वाली चूड़ियाँ पहनाई थी ग्रीन वाली की, तो हमेशा प्लेन ही पहनती आई वाली पहन, तो उसी की पसंद की वजह से मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी। तो हाँ मतलब बदल बदल के पहनना चाहिए ऐसा वो कहते हैं मुझसे। हम रानी का भी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, तो मैं भी अपने हस्बैंड जी के लिए बना लेती हूँ दिन का खाना और अपने लिए कुछ स्मूदी वगैरह बनाती हूँ। चलिए जो भी मैं बनाऊंगी स्मूदी उसकी मैं रेसिपी डाल दूंगी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी, मेरा एक अकाउंट है सरिता जोशी ब्लॉग करके, और शॉर्ट्स में भी डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे भी अपना प्यार दिखाइएगा और उनको भी ज़रूर देखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे चावल और दाल भी मैंने बीन ली है, तो सोच रही हूँ आज खिचड़ी बना दूँ हस्बैंड जी के लिए क्योंकि वो अकेले हैं ना आज, तो आज मैं खिचड़ी बना देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ अपनी स्मूदी बनाने की, यानी कि मिल्क शेक बनाने की। तो मैं यहाँ पे बनाना और ये क्या बोलते हैं इसको एप्पल का मिक्स शेक बनाने वाली हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा मखाने भी ऐड करूँगी थोड़ी सी। कल परसों ही मैंने एक रेसिपी देखी थी इंस्टाग्राम पे तो मैंने उसे ट्राई कर लेते हैं, व्रत भी है ही, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। मैंने केले और सेब काट के रखे हुए हैं और यहाँ पे थोड़े से काजू हैं, यहाँ पे थोड़े से मखाने मैंने रोस्ट करने रख दिए हैं जो कि धीरे से जलने लग गए थे ये ब्लॉगिंग के चक्कर में। चलिए दोस्तों ये हो चुके हैं, मैं इनको रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा ही अपने कंपनी के लिए रख दूँगी, इनके नमकीन के रूप में थोड़ा मैं सीज दूँगी। तो टेस्टी टेस्टी खिचड़ी भी हमके हमारी बन के तैयार हो गई है, जो क्राउड में इनको सर्व कर लेते, थोड़ा देर हो रही है इनको जाने के लिए। तो मैंने लगा लिया हस्बैंड जी के लिए, इनको ना घी का बहुत शौक है तो आज घी डाल के देती हूँ इनको खिचड़ी में, वैसे भी अच्छा ही होता है खिचड़ी में, वैसे भी अच्छा ही घी होता है। तो देखो टेस्टी टेस्टी लग रही है ना एकदम बढ़िया, दे के आती हूँ इनको टेस्टी टेस्टी खिचड़ी बना दिया आपके लिए। ठीक है यहाँ पर रखिए, हाँ मेरे हस्बैंड जी थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं नहाने के बाद, और यहाँ पर खिचड़ी रखी इनके लिए, अचार मांगेंगे तो दे दूँगी। चलिए दोस्तों मैं भी चलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी को और 2 बजे की ड्यूटी है उनकी आज, तो चले गए हैं ड्यूटी को और मैं भी अपना ये मिल्क शेक इन्जॉय कर लेती हूँ। मम्मी को तो मैंने दे दिया है, उन्होंने पी भी लिया है एक्चुअली, वो ठंडा नहीं पीते गले में, कुछ आजकल खराश थी दर्द वगैरह हो रहा था तो फिर वो ठंडा नहीं पीते, तो मैं भी ठंडा नहीं पीती वैसे। तो मैंने ये दूध को मतलब जब बना लिया था उसके बाद थोड़ा एक गिलास ठंडा होने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए, बस ज़्यादा ठंडा नहीं। तो बस मैं भी अब इसको इन्जॉय करती हूँ और फिर मिलेंगे आप लोगों से, थोड़ा सा पी के दिखाती हूँ मतलब कैसा बना वो भी सब भी शेयर होना चाहिए ना। फिर टेक्सचर तो गाढ़ा ही, ज़्यादा पतला नहीं है, दूध कम मतलब कम गया दोनों के लिए हो गया इनफ, और एक ग्लास भी देख लो आप ठीक ठाक है। ये देखो ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है, सो यमी है दोस्तों, बहुत टेस्टी हुआ है। फिर मैंने काजू चिया सीड्स क्या बोलते हैं चिया सीड्स बोलते हैं क्या बोलते हैं पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन सीड्स का भी यूज़ कर रखा है और केले सेब का यूज़ कर रखा है दूध। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी स्मूदी बनानी है, रेसिपी बनानी है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखना, फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट मैंने आपको बता रही हूँ बार बार सरिता जोशी ब्लॉग करके, वहाँ पर मुझे फॉलो करिएगा और ऐसी नई नई रेसिपी देखिएगा वहाँ पर, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों तो आज के ब्लॉग को हम यहीं बैन कर देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा मस्त रहेगा, थैंक यू।